अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीवर्स, आज हम मैंगो केक बनाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंगोज़ का सीज़न है और मैंगो सबको ही पसंद होते हैं। मैंगोज़ का केक बनाएंगे और जो होगा विदाउट एगलेस और बनेगा, आपको ब्लेंडिंग मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जूसर में बनेगा और विदाउट ओवन बनेगा, ठीक है। इसके लिए हमने हाफ कप ऑयल ले लिया है, हाफ कप शुगर ले ली है बगैर पीसी हुई, और 1 कप जो है मैंगो का ले लिया, ठीक है, उसे काट लिया है हमने। और उसके बाद हमने मोल्ड ले लिया है और उसमें अब हम उसी ग्रीसिंग कर देंगे, ऑयल लगा देंगे, और बेकिंग पेपर नहीं है तो हम इसको मैदे से कर देंगे कवर सा, ठीक है, और सारा बिछा देंगे और फिर इसको एक साइड पर रख देंगे और फिर केक की तैयारी करेंगे। फिर सबसे पहले हम अपने जूसर में डालेंगे ऑयल, उसके बाद डालेंगे चीनी, चीनी आपने पीसी हुई नहीं लेनी, ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे मैंगो, ठीक है। तीनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, 30 सेकंड के लिए आपने ब्लेंड करना है, और उसके बाद आपने ब्लेंड हो जाता है तो फिर देखते हैं। फिर हम इसके अंदर मैदा वगैरह और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, और केक बहुत ही मज़े का बनता है, मैंगो तो सबको पसंद होता है, इसलिए मैंगो केक भी सबको पसंद होगा। और अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, हमने निकाल लिया, और अब हम इसमें डालेंगे मैदा छानकर सारी चीज़ें छानकर डालेंगे, 1 कप मैदा डालेंगे और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे फिर केक कड़वा हो जाएगा, इसलिए हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। और इसको जो है आपने मिक्स करना है, एक ही तरफ मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया इसलिए आपको ज़ोर से लग रहा है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता से करना है। और इसमें हमने बेकिंग और फिर हमने डाला है मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, ठीक है, और हमने फिर इसको मिक्स कर लिया, और फिर हमने बादाम डाले हैं काट काट के रख लिए थे, और फिर थोड़े थोड़े करके ऐड कर दिए और मिक्स कर लिए, और फिर अब सारे कर दिए और मिक्स हो गया, हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम मोल्ड में डाल देंगे और इसको 3 दफ़ा टैप कर लेंगे, ठीक है। फिर बहुत ही मज़े का केक बनकर तैयार होता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हमने पतीला जो है पहले से प्रीहीट नहीं करना, ऐसे ही पतीला लेंगे और इसमें कोई भी प्लेट वगैरह या ढक्कन कुछ भी उल्टा करके रख देंगे और इस पर केक रख देंगे, ठीक है। 2 मिनट तक जो है आपने आग को मीडियम रखना है और फिर मीडियम टू लो कर देना है। आपने इसको ढकने को रुमाल से कवर कर देना है ताकि कोई भी हीट बाहर ना आए और केक अच्छी तरह से बेक हो जाए। और आप देख सकते हैं केक हमारा बेक हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार हुआ है। और आप एक नाइफ डालकर देख लें, अगर कुछ भी लगा हुआ आएगा तो फिर मींस केक नहीं तैयार है, फिर 5-10 मिनट और दे दीजिएगा। लेकिन हमारा जो है केक पक गया था तो हमने निकाल लिया, और अभी गर्म है तो इसलिए आप केयरफुली जो है इसको हाथ लगाइएगा। हमारा मज़ेदार सा केक बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही स्पॉन्जी सा केक है और बहुत ही मज़ेदार है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।